देखिए इतने बढ़िया वेज पॉकेट देखकर आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। ये पॉकेट्स मैंने गेहूं के आटे से बनाए हैं। इनकी जो परत देख रहे हैं आप, ये बहुत ही खस्ता है और अंदर का जो स्टफिंग है वो भी बहुत टेस्टी है। इस नाश्ते को आप सुबह या शाम एक बार जरूर बनाकर देखें। हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉकेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल गेहूं का आटा लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल हम मोयन के लिए यूज कर रहे हैं, इससे नाश्ता बड़ा ही खस्ता बनेगा। आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गेहूं के आटे और सब्जी से बने ये वेज पॉकेट खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें, इसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इन वेज पॉकेट को आप मेहमानों के आने पर भी बनाकर खिला सकते हैं। आप देख सकते हैं मोयन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंद लेंगे। आटे को हमें सख्त गूंदना है, सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए हमें। देखिए मैंने आटे को डो की तरह तैयार कर लिया है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे। गैस पर मैंने पैन रखा है। अब पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तेल हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को हल्का सा भूनने देंगे। जीरा भून गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। चलाते हुए हल्का सा पका लेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, इसे भी हल्का सा पका लेंगे हम। अब इसमें हम 1 मीडियम आकार का लंबा कटा हुआ प्याज डालेंगे। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। प्याज को चलाते हुए हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे हम। आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को मैंने अच्छी तरह से चलाते हुए पका लिया है। मसाले भी भून गए हैं। अब इसमें हम 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। 1 छोटी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। 1/2 बाउल स्वीट कॉर्न के दाने डालेंगे। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न की जगह पे आप गाजर या पत्ता गोभी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक ढककर पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सब्जियां भी पक गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर की जगह पे आप चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी लोई बनाएंगे। देखिए इसकी लोई बना ली है मैंने। लोई पर मैंने तेल लगाया है, आप चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। अब इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इसे हमें पतला पतला बेलना है। अब हम इसकी किनारे कट करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम डो में मिला लेंगे। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की है उसे इस तरह से रोटी के बीच में फैला देंगे।
अब हम इस नाश्ते के चारों किनारों पर पानी लगा देंगे। पानी लगाना बहुत जरूरी है। अब इसे हम एक तरफ से उठाकर फोल्ड कर देंगे और हल्का सा प्रेशर देते हुए इसे दबा देंगे। अब मैं यहाँ पर फोक की सहायता से इसे एक सुंदर सी डिजाइन दे रही हूँ। हल्के से प्रेशर देते हुए इसे हम दबा देंगे। देखिए कितना सुंदर पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम सारे पॉकेट से तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल गर्म होने रख दिया था। तेल गर्म हो गया है। अब हमने जो पॉकेट बनाए थे उसे कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो ही रखना है। अब इन्हें हम धीमी आंच पर पलट पलट कर तलते जाएंगे। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। आप देख सकते हैं पॉकेट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे पॉकेट्स तल लेंगे। इन्हें आप गर्मा गर्म किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।